प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के अनुसार देश में युवाओं में खेलों के प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश भर में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की तरफ से 19 साल से नीचे युवाओं का फुटबॉल प्रतियोगिता जलंधर में अश्विनी स्टेडियम में शुरू हुई। जलंधर स्थित BSF कैंपस में आज इस प्रतियोगिता का इलाके के विधायक प्रगट सिंह ने विधिवत शुभारम्भ किया। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज जलंधर। देखो जरा फुटबॉल पॉपुलराइज करने लिए और नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हो रहा उसकी प्रिलिमिनरी टूर्नामेंट है और ये पंजाब का हिस्सा जोड़ा वो BSF जलंधर करवा रही है। मैं मुबारकबाद देना चाहता और बच्चों खास करके क्योंकि जोड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये बहुत वधिया गल है कि जी फोर्स और स्पोर्ट्स कट्ठी होकर जी स्पोर्ट्स को अगे बढ़ा रहे हैं। पंजाब की गल करिए सरकार खिडारियों के वास्ते की कुछ पाइपलाइन दे बेसिक तो यह है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है वो इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है वो इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली करांगे ताकि स्पोर्ट्स नूं जिहड़ा है उस लैवल ते जिहड़ा ले जा सके। मेरा ख्याल है कि प्रोसैस के आने वाले मेरे ख्याल 15-20 दिन महीने के डेफिनेटली नहीं सारिया स्पोर्ट्स करांगे क्योंकि जी फुटबॉल हैगी क्योंकि वर्ल्ड ओवर बद देशों के खेली जाती है पर बाकी स्पोर्ट्स भी उन्ना ही प्रमोट। ये टूर्नामेंट जैसा आपको मालूम है ये फीफा U17 वर्ल्ड कप इस बार हिंदुस्तान में खेला जा रहा है अक्टूबर में, उसी की तैयारी के रूप में जो हमारी MHA है उनके निर्देश के अनुसार हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। पंजाब राज्य की जिम्मेदारी BSF पंजाब फ्रंटियर को दी गई है और यहाँ 16 टीमें लड़की और लड़कों के संवर्ग में पार्ट ले रही हैं। इसका आज उद्घाटन श्री प्रगट सिंह जी ने किया। ब्रांड एम्बेसडर हम लोग खुशकिस्मत हैं कि पंजाब के गौरव सरदार इंदर सिंह जी हैं इस टूर्नामेंट के और इसका समापन 14 तारीख को होगा। समापन के पश्चात पंजाब की जो सर्वश्रेष्ठ टीम है वो लड़कियों और लड़कों दोनों वर्ग में चुनी जाएगी और फिर ये अगले चरण में पंजाब का प्रतिनिधित्व करेगी और फाइनली थर्ड फेज में दिल्ली में जो सर्वश्रेष्ठ 6 राज्य हैं वो आपस में खेलेंगे सर्वोच्च पुरस्कार के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब की टीम जो यहाँ से चुनी जाएगी वो अंतिम चरण तक भी जाकर झंडे गाड़ेगी।